जैन साथियों, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज दोस्तों हम स्टूडियो में बात करेंगे हरियाणा आर्मी ओपन भर्ती के बारे में। जो फ्रेंड्स आपका अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है उसके बारे में नोटिफिकेशन। मैं गाइस आपको सबसे पहले ये न्यूज दे रहा हूँ दोस्तों, आपका हाइट चेस्ट वेट कितना होना चाहिए, इसमें अब की बार आपका क्या बदलाव हुआ है फिजिकल में हरियाणा वालों के लिए। गाइस बहुत ही अच्छी खुशखबरी है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना। अगर आप इसके बारे में हर एक जानकारी लेना चाहते हो, आपकी बार कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, कि इसमें कौन सी पोस्ट है गाइज, इसमें का हाइट चेस्ट वेट कितना होना चाहिए, हम सब डिस्कस वीडियो में करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। ठीक है, मैं कजा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले चलता हूँ गूगल की और एक बार दोस्तों हम गूगल पे आ गए हैं दोस्तों, यहाँ फिलअप करते हैं सरकारी एग्जाम डॉट कॉम। दोस्तों आपको साइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सरकारी एग्जाम रोजगार रिजल्ट्स में क्लिक कर लेता हूँ फर्स्ट लिंक के ऊपर। तो दोस्तों ऊपर देखिए सरकारी एग्जाम डॉट कॉम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए न्यू अपडेट्स आर्मी रिक्वायरमेंट रैली हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हरियाणा आर्मी ओपन रैली रिक्वायरमेंट 2020 पोस्ट नेम दोस्तों आप देख लीजिएगा। आप स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपकी, 2 मई से गाइस आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं। आपकी लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 16 जून है। एडमिट कार्ड आपके 16 से 30 जून के बीच में आ जाएंगे। आपकी जो गाइस यहाँ पे रैली डेट है 1 से 14 जुलाई तक आपकी भर्ती चलेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें आपकी कोई कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। यहाँ पे देखिए देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर ऑल कैटेगरीज। इसमें गाइस आपको कोई फॉर्म फिलअप करते समय कोई फीस पे नहीं करनी है। अगर मैं बात करूँ आपकी जॉब लोकेशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब होती है। रैली वेन्यू देख लीजिए, यहाँ पे चरखी दादरी हरियाणा है दोस्तों। अगर मैं आपकी एज लिमिट के बारे में दोस्तों बात करूँ, यहाँ पे देखिए सोल्जर जीडी के लिए बता रहा हूँ अभी, मिनिमम जो आपकी एज है 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 17 साल आपकी मतलब इसमें एज होनी चाहिए और आप 21 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो जीडी वाले को। ठीक है, बोर्न बिटवीन के बारे में अगर मैं बात करूँ आपकी एज लिमिट को देखते हुए, तो दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप जीडी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। ऑल अदर पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आपकी जो मिनिमम एज है 17 साल होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए 17 साल, और आपकी जो मैक्सिमम एज है 23 साल आपकी मांगी गई है यहाँ पे ऑल पोस्ट के लिए, जैसे कि आपकी ट्रेड्समैन और क्लर्क हो गया उनके लिए। बोर्न बिटवीन गाइस यहाँ पे देख लीजिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप क्लर्क टेक्निकल या फिर ट्रेड्समैन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। नंबर ऑफ पोस्ट गाइज यहाँ पे दी नहीं गई है, यहाँ पे आर्मी रूल के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, और ये दोस्तों नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ आपकी, तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे देख लीजिए गाइज पोस्ट नेम आपकी, इसमें गाइज सोल्जर जीडी की पोस्ट है, सोल्जर कलरक की, स्टोर कीपर की, सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, आपकी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देख लीजिए आप सोल्जर जीडी टेक्निकल, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ सोल्जर जीडी के लिए बता रहा हूँ अभी, आपके पास दोस्तों 10th पास होने चाहिए, आपकी 10th में 45% मार्क्स होने चाहिए, आपके हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने अनिवार्य हैं। अगर बात करूँ मैं सोल्जर टेक्निकल के बारे में, आपके पास +2 पास होने चाहिए, आपके पास PCM भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास वो अनिवार्य है, आपके पास गाइज 50% नंबर होने चाहिए +2 क्लास में अगर आप सोल्जर टेक्निकल का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। सोल्जर कलर के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो दोस्तों आपके पास +2 पास होने चाहिए, आपके पास 60% नंबर होने चाहिए +2 क्लास में, आपके गाइज हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होने अनिवार्य हैं। ध्यान दीजिएगा अगर आपके 49 भी नंबर है आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते कलर वाले को, आपके पास हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होने अनिवार्य हैं, तभी आप कलर का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स बात करें आप सोल्जर ट्रेड्समैन के बारे में, यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे 10th पास आपके पास होने चाहिए, आपके पास हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने अनिवार्य हैं। और सोल्जर ट्रेड्समैन में गाइज यहाँ पे आपके पास 8 पास होने चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे गाइज देखिए सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर कलरक एंड सोल्जर जीडी गाइज आपका जो इंपॉर्टेंट होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको फिर भी कुछ डाउट लगे आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, आपको 100% दोस्तों रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और दोस्तों बात करें आपके फिजिकल डिटेल्स के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हाइट फॉर सोल्जर कलरक स्टोर कीपर टेक्निकल। दोस्तों अगर आप कलरक का टेक्निकल फॉर्म फिलअप कर रहे हो फ्रेंड्स, जिसमें आपकी हाइट है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी जो पे देखिए गाइज रेस्ट ऑल पोस्ट, जो भी गाइज ऑल पोस्ट आपकी बच गई जैसे कि सोल्जर जीडी रह गया आपका, इसमें आपकी जो पोस्ट है गाइज यहाँ पे देखिए गाइज आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5'7" आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप जीडी का फॉर्म भर रहे हो। अगर आप कलर का फॉर्म भर रहे हो दोस्तों, आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आप देखिए 120 सेंटीमीटर, सॉरी गाइज
162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कलरक में, 162 सेंटीमीटर। अगर आप जीडी का फॉर्म भर रहे हो दोस्तों, आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जीडी में। अगर फ्रेंड्स मैं आपके वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए फॉर ऑल पोस्ट, आप गाइस कोई भी पोस्ट फिलअप कर रहे हो इसमें, चाहे आप कलरक, जीडी, सोल्जर, कल टेक्निकल, ठीक है, आप कोई पोस्ट फिलअप कर रहे हो, आपका जो फ्रेंड्स एज क्लब की वेट है आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए, आपका मिनिमम 50 तो होना चाहिए भाई। ये नहीं कि आपका फिर मैक्सिमम आपका 80-90 हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपका 80 और 50 के बीच में आपका वेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर फ्रेंड्स बात करो आपकी चेस्ट के बारे में, फॉर ऑल पोस्ट आप गाइज कोई भी पोस्ट फिलअप कीजिए, इसमें दोस्तों आपकी जो चेस्ट मांगते हैं 77 से 82 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर के पास फुला होना बहुत ही जरूरी है गाइज, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव के पास होना चाहिए। आपकी चाहे चेस्ट कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फुलाव है दोस्तों उतना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे देखिए पुल यूपीएस, जिसको हम दोस्तों बिम्प बोल देते हैं, 9 फीट आपका डिच होगा, जिंग जिंग बैलेंस होगा गाइज आपका वहाँ पे, ठीक है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए होता है ओनली, आप पे इसका आपको गाइज कोई नंबर नहीं मिलता, आपको ओनली नंबर मिलते हैं गाइज बिम्प के लिए। अगर आप गाइज 10 बिम्प लगाते हैं आपको वहाँ पे 40 नंबर मिल जाते हैं, और आपके दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 नंबर आपको फिजिकल के मिलते हैं, मतलब रेस के मिलते हैं, आपका गाइज जीडी में 100 नंबर का फिजिकल होता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें आपके रनिंग के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1.6 किलोमीटर की गाइस में रेस होती है, जिसको हम 1600 मीटर बोल देते हैं, फिर 1.6 किलोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ग्रुप फर्स्ट को गाइस 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आपको सेट नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं रेस क्लियर करने के लिए फर्स्ट ग्रुप को, और गाइस सेकंड ग्रुप को आपको नंबर मिलते हैं यहाँ पे 48 नंबर। देखिए भाई यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए इतना टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जब आप आर्मी भर्ती में आप गए होंगे आपको पता भी होगा भाई, वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट 30 सेकंड समथिंग, 5:10 या 5:15 इतना ही टाइम देते हैं, इसे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं भाई। आपकी रनिंग का टाइम कितना है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सिर्फ कहने के लिए यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकंड दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है भाई तभी आप इस आर्मी की भर्ती में जा सकते हो भाई, प्लीज तैयारी कीजिए अच्छे से, आपके पास अभी भी टाइम है तो प्लीज आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड ऑन रैली वेन्यू, अगर आप गाइस इस भर्ती में जा रहे हो फ्रेंड्स, आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, 20 आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए, आपके पास गाइस यहाँ पे देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमेरिट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीसी सपोर्ट सर्टिफिकेट गाइस आपके पास है तो लेके जाइए, वरना मत लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो भाई आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आईडी प्रूफ कोई भी हो, आपके पास आधार कार्ड हो चल जाएगा, वो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन गाइज, यहाँ पे आप इस साइट पे आके यहाँ पे देखिए गाइज रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन आप आराम से कर सकते हो फ्रेंड्स। ऑफिशियल नोटिस आपको देखना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर गाइज यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑफिशियल नोटिस, में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको एक बार, तो मैंने क्लिक कर लिया दोस्तों, ऐसे ओपन हो रहा है, और फ्रेंड्स अभी थोड़ी साइट स्लो है सो इसलिए टाइम लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रेलवे नोटिफिकेशन आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस सरखी दादरी हरियाणा, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड ऑन एलिजिबल कैंडिडेट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरखी दादरी रेवाड़ी भिवानी महेंद्रगढ़ से गाइज, अगर आप बिलोंग करते हो फ्रेंड्स हरियाणा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप सरखी दादरी रेवाड़ी भिवानी महेंद्रगढ़ से हो गाइज आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। मैंने आपको दोस्तों हर एक डिटेल्स दे दी है इस भर्ती के बारे में, पास हाइट चेस्ट वेट कितना होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मैंने फ्रेंड्स आपको सब कुछ बता दिया है। आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी आपको बात मुझसे पूछनी हो, कुछ भी आपको कुछ डाउट लगे भाई, आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो भाई, चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना है, सो प्लीज गाइज आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी बात पूछनी हो इस भर्ती के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा भाई, देखिए भाई आपके चैनल सब्सक्राइब करने से वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज गाइज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो के नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रहिए, खुश रहिए।